सबको दिल की गहराइयों से सलाम अलैकुम। आज मैं कितना खुश हूं पहले आप दिल भर के नारा लगा लें, फिर मैं जवाब दूंगा। सियालकोट के मेरे बहादुर भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आई लव यू, इनको पता नहीं, इनके कहने से पहले मैं कहने लगा था कि नवाज शरीफ लव्स यू टू। बार आज तो सियालकोट को बार बार कहने को दिल करता है, नवाज शरीफ लव्स यू टू। वो पीछे वालों को भी कह रहा हूं, वो पीछे दीवार के पास बैठे हुए लोगों को भी कह रहा हूं, नवाज शरीफ लव्स यू टू। आज तो बहुत बहुत उम्दा दिन है अल्लाह के फजलो करम से, क्या महफिल जमी हुई है आज सियालकोट में। और मेरे दिल से पूछो तो भाई, सियालकोट जो है ना, सियालकोट ये बावफा लोगों का शहर है, बड़े बहादुर और बड़ा, ये मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं वाक्यतन बावफा लोगों का शहर है सियालकोट। और सियालकोट का नाम पूरे बड़े सगीर में गूंजता है, क्या पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान, सियालकोट हर जगह पे अपनी एक पहचान रखता है। और फिर देखें कि अगर मैंने सियालकोट को कहा है कि सियालकोट बावफा लोगों का शहर है, तो सबसे बड़ा बावफा तो ये खड़ा है मेरे साथ, जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। अभी इसने कहा कि मेरा 25 साल या 30 साल का ताल्लुक है, भाई 34 साल का ताल्लुक नहीं है, सुन ले, ये 34 साल का ताल्लुक नहीं है, ये पिछले 50 साल का ताल्लुक है, 50 साल का, बल्कि 55 साल का। 55 जानते हैं ना कितना होता है, 55, 55। मेरे साथ ये कॉलेज में था, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, फिर फोर्थ ईयर में थे, हमने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उस वक्त से ख्वाजा साहब मेरे साथ अपना ताल्लुक निभा रहे हैं, और मुझे फख्र है ख्वाजा साहब पे और इनके वालिद मोहतरम पे, जिन्होंने मेरी सियासी ट्रेनिंग की, और मुझे बड़ा प्यार करते थे। और आज भी मुझे वो वक्त याद है, वो हर महीने में कम से कम एक दफा जरूर मुझे बुलाते थे और मिलते थे, और बहुत प्यार और शफकत से पेश आते थे, और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इंसान थे वो, यहाँ पर बेहतरीन सियासतदान थे। तो आज मैं अभी बाकी भी यहाँ हमारे जो लोग बैठे, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, मैं नाम लेना चाहता हूँ राणा शमीम का। राणा शमीम मेरा 1985 से भी पहले का मेरा साथी है, 1985 से पहले का, आज तक कभी उसने कभी लग्जिश नहीं आई, और मुझे फख्र है अपनी उनके साथ दोस्ती का। अरमगान सुबहानी हमारा बेहतरीन साथी है, और इनके वालदे मोहतरम, इनके ताया मोहतरम से मेरा ताल्लुक चला आ रहा है 1985 से भी पहले का। अली जाहिद साहब भी माशाल्लाह
हमारे बड़े अपने वालिद मोहतरम के जमाने से हमारे साथी हैं और लगातार हमारे साथी हैं, बावफा साथी हैं। और फिर ज़ारे शाह साहब, द ग्रेट ज़ारे शाह साहब, उनकी बेटी मौजूद है यहाँ, नौशीन, नौशीन इफ्तखार यहाँ मौजूद हैं। और ज़ारे शाह ने जिंदगी भर अपना साथ निभाया नवाज शरीफ के साथ, कभी लग्जिश नहीं आई। फिर यहाँ पे मंशौला भट्ट साहब भी हैं, हमारे बड़े बड़े खैर खास दोस्त, राणा आरिफ फरनान, तारिक सुबहानी, फैसल अकरम और राणा लियाकत। आप जानते हैं राणा लियाकत वो शख्स है जिसको हमने पिछले इलेक्शनों में टिकट नहीं दिया, और मुझे अफसोस है कि टिकट क्यों नहीं दिया। मैं जेल में था, टिकट नहीं मिला, इलेक्शन जीत गया इंडिपेंडेंट। मेरे पास पिंडी में अडियाला जेल में आया कि नवाज शरीफ साहब मैं आजाद जीता हूं, मैं आज अपनी पार्टी में दोबारा शामिल हो रहा हूं। मुझे शर्म भी बड़ी आई कि हमने टिकट नहीं दिया, और मैंने गले के साथ लगाया। ये है वफा, इसको कहते हैं वफा, और फख्र है हमें ऐसे साथियों पे। और फिर राणा अफजल साहब हैं हमारे, नवीद अशरफ साहब हैं, ये जीशान रफीक हैं, अरशद बड़ाइच हैं, मैं किस किस का नाम लूं। लेकिन आज राणा अब्दुल सत्तार साहब हैं, माशाल्लाह लगता है कि आप अपना उनके हलके से आए हुए हैं। आज सियालकोट आने से पहले ना भाई दोस्तों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। सियालकोट आने का जब हम फैसला कर रहे थे, कल मैंने ख्वाजा साहब से बात की, ख्वाजा साहब को कहा मैंने, ख्वाजा साहब कितने बजे पहुंचना है, मैंने हमने कितने बजे आना है। कहने लगे कि आपने हमने आपने दो और ढाई के दरमियान आ जाए आप। तो मैंने कहा कि कैसे आए, बाय रोड आए या जहाज पे आए या हेलीकॉप्टर पे आए। तीन ऑप्शन थे हमारे पास भाई, आप थोड़ा पीछे हो जाए भाई, देखे ना नवाज शरीफ हमेशा अपने आवाम के मसले हल कराता है। तो मैं ये कह रहा था आपसे, तो मेरी बात सुने, मैंने कहा जहाज पे आए या मोटरवे से आए या फिर हेलीकॉप्टर से आए। तो मैंने कैलकुलेट किया, हिसाब लगाया कि तीनों, अगर तीनों तरह से अगर हम आते हैं तो वक्त उतना ही लगता है, चाहे हम जहाज पे आए, चाहे सड़क से आए, या हम चाहे हेलीकॉप्टर से आए, तो वक्त उतना ही लगेगा। तो सियालकोट के देखे प्यार और इश्क हमारा सियालकोट के साथ, सड़क से भी उतना ही वक्त, जहाज पे भी उतना ही वक्त, हेलीकॉप्टर से भी उतना ही वक्त, और जब ट्रेन बनेगी ना, जब ट्रेन सियालकोट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी उतना ही वक्त लगेगा। भाई सियालकोट जैसे मैंने कहा वफादार लोगों का शहर है, ऐसे नहीं मेरी मोहब्बत सियालकोट के लिए जागती रहती। जब मैं बाहर से आया हूँ लंदन से, पूछो ख्वाजा साहब खड़े हैं यहाँ पे, मैंने कहा ख्वाजा साहब मैंने सियालकोट आना है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं सियालकोट आऊं, मैं सियालकोट को बड़ा मिस करता हूं। और सियालकोट से मुझे बड़ा प्यार है, इश्क है। और फिर मैंने वहां पे चेंबर से बात कर दी है, उसके बाद आपके घर आना है, और वहां आप अपने अच्छे कारकुनों को बुलाएं, उनसे बात करूंगा मैं, और मैं उनसे कहूंगा, मैं मोटरवे में पहली दफा उस वक्त, मैं उस दिन आया यहाँ पे, मोटरवे हमने बनाई, लेकिन उसका इफ्तिताह का मुझे मौका नहीं मिल सका। उस मोटरवे को मैं, जो बनी है मोटरवे,
खाया साहब आपको मैं बताता हूँ, और सियालकोट के हमारे बाकी भी साथी बैठे हैं, आप भी हैं, वो मोटर में उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की नवाज शरीफ बनाना चाहता था। उसमें रेस्ट एरियाज होने चाहिए थे, वो बेहतरीन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवे होनी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं मुतमईन नहीं हुआ मोटरवे पे आके। इस मोटरवे को इंशाल्लाह हम दोबारा बनाएंगे, और फिर जैसे मैंने अभी कहा है कि इंशाल्लाह हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस रेलगाड़ी चलाएंगे, और सियालकोट वालों को हर ऑप्शन देंगे कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, अपनी यहाँ पे पैदावार को बढ़ाएं, और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में बेहतरीन जरिया मवासलात। बस भाई बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अभी अब आराम से। ये नौजवान ये बच्चे नौजवान बच्चियां वहां पे बैठी हुई हैं, ये मुझे बहुत प्यारी हैं, और भाई हमने भी कसम खाई कि हमने सब कुछ आपके लिए कर गुजरना है, और मुझे पता है कि जलसे में भी बहुत नौजवान बैठे हुए हैं। जरा मैं पूछना चाहूंगा कि कितने हैं लोग जो 30 साल के उम्र से नीचे वाले लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करें। ये कौन कहता है कि यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, कौन कहता है कि यूथ हमारे साथ है, ये बताओ यार एक दफा फिर जरा हम सबको दिखाओ। 30 साल से कम उम्र वाले हाथ खड़ा करें, ये तो सारा जलसा ही 30 साल से कम उम्र वाला है। सियालकोट वालों यूथ इंशाल्लाह मेरी बात सुनो, आप मुस्तकबिल के मेहमान हो, इंशाल्लाह हम अपनी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे इन नौजवानों को जिनके हाथों में डिग्रियां हैं या कोई हुनर है, उनको इंशाल्लाह हम कर्जे देंगे, 20-20 साल के कर्जे देंगे, जो इंशाल्लाह वो अपना खुद कारोबार सेट करें, अपना खुद कारोबार बनाएं और खुद अपने रोजगार और लोगों को रोजगार दें। हमारा मंसूबा है कि इंशाल्लाह आपको अपने पांव पे खड़ा करना है। हमने अभी शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कंप्यूटर लैपटॉप की बात की है, और आपसे टेक्नोलॉजी की बात की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की है, आईपैड की बात की है, वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको मिलेगा, और शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी आपको दिया है, और आइंदा हम हर नौजवान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है, सब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, जरा बताएं, आप भी बताएं, मेरी बात से मुतमईन हैं आप, हाथ खड़ा करके बताएं। भाई अब मैं बात करता हूँ, मुझे बहुत जब मैं आज अब मैंने कहा है कि आज सियालकोट में आया हूँ, आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी, वाकई दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 2017 का पाकिस्तान जो मैं छोड़ कर गया था वो भी आज मुझे नज़र नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं इन नौजवानों के हाथों में, आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें कि जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे वो प्रोग्राम जारी रखने की हमें जो मौका दिया जाता, हमारी हुकूमत ना ख़त्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। आज देखें ना, आप अंदाजा करें, आज मैं ये बात कहता हूँ, सबको बताने के लिए कहता रहता हूँ मैं, और कहूँगा, नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था, आज रोटी कितने की मिलती है बोलो, 20 रुपए की रोटी हो गई है जी।
25 रुपए की रोटी है, 4 रुपए की मैं छोड़कर गया था और पेट्रोल का रेट 65 रुपए लीटर था और आज कितने का है? कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? और 50 रुपए किलो वाली चीनी, 50 रुपए किलो वाली चीनी आज कितने की मिलती है? 150 रुपए में। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया। और फिर 1000 जिसका बिजली का बिल आता है आज कितना आता है? गैस मिलती है या नहीं मिलती बताओ? ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ, जरा पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं है, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं है, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। आपको मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे वाकई अपनी तकलीफ का कोई दुख नहीं है, मगर आपकी सजा मुझसे नहीं देखी जाती। और इंशाल्लाह 6 के बाद बाकी 8 के बाद बाकी बातें करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो और हम सब को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। 8 तारीख को मुस्लिम लीग नून कामयाब हो और इस मुल्क की खिदमत का जिम्मा जो है वो फिर अपने कंधों पे उठाए। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। अब मैं मरियम नवाज शरीफ को दावत दूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हों।